नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डेवलपमेंट। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 6 मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास 9th के लिए, हिंदी मीडियम। घातांक के नियम आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। आज हम घातांक के नियमों के बारे में जानेंगे, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्लास 8th में भी था। पिछली कक्षा में आप सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुणा की जाती है तो उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार है, आप गिनिए से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार गुणा की गई है, तो इसलिए से हम लिख पाते हैं 5 की घात 7, ठीक है। 5 की घात 7 में 5 तो आधार है और ये घातांक है, घातांक, ठीक है, एक्सपोनेंट। चलिए उन नियमों को दोबारा देखते हैं। नियम 1, 2 संख्याओं को ऐसे गुणा करते हैं जिनका आधार सेम है, a की m गुणा a की n, तो ये होगा a की m जमा n, घात जो है वो जुड़ जाएंगे। जैसे यहां लिखा है 2 की 3 × 2 की 5, तो कितना हो जाएगा 2 की 3 जमा 5 यानी 2 की 8, ठीक है। अब घात पे घात है किसी संख्या के, a की m और फिर n है तो होगा a की mn, ठीक है। जैसे 2 की 3 है और फिर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 की 3 × 5 यानी 2 की 15, ठीक है। घात पे घात जितनी बार भी होगी वो घात जुड़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नियम 3, a की m बटा a की n यानी भाग में है, ठीक, यही नियम है, इसका उल्टा हो गया, भाग में है। जैसे 2 की घात 5 / 2 की घात 3 है तो हम लिखेंगे 2 की घात 5 / 3 m घटा n, 2 की घात 2 आ जाएगा। ये तीनों में आपने देखा कि आधार पहले और तीसरे नियम में आधार सेम है, ठीक है। अब चौथे नियम में देखिए, घात सेम है आधार अलग है, कुछ ऐसा होगा 2 की घात 3 × 5 की घात 3। आप देखिए घात सेम है लेकिन आधार अलग है, इसमें हम क्या करेंगे, आधार को गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 × 5 = 10 की घात 3 और घात 1 की बार रहेगा। नियम 5, a की घात 0 यानी किसी संख्या की घात 0 है, जैसे 2 की घात 0 / 3 की घात 0, ये सब 1 हो जाता है। तो इन 5 नियमों को ध्यान से याद कीजिएगा, फिर आपको और समझ में आएगा। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि a की 1/a की n a की घात -n लिख सकते हैं, यानी माइनस है तो उसको ऐसे और ये है तो ऐसे। जैसे 1/3 की घात 5 है, 3 की घात -5 ले सकते हैं, या 5 की घात -2 तो उसे 1/5 की 2 प्लस करके ले सकते हैं। चलिए कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, 17 की घात 2 और 17 की घात 5 है तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे ना एक जैसे, देखो आधार सेम है, 17 की घात 2 / 5 17 की घात कितना हो जाएगा 7, तो 17 की घात हो जाएगा ये 7, क्लियर है। नेक्स्ट घात पे घात है तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 × 7 = 14, यहां होगा 9 की घात 10 / 4 यानी 9 की घात 6। अब यहाँ पे आधार सेम नहीं है लेकिन घात सेम है तो हम इसे क्या करेंगे, आधार को गुणा कर देंगे, 3 × 5 / 4 = 15 की घात 4। 11 की घात 0 किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है। तो सभी नियमों पे क्वेश्चन थे ये। चलिए क्या हम वर्गमूल, ये लिखा है क्या हम वर्गमूल घनमूल को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। देखिए √5 है उसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/2
और घनमूल पांच है तो उसको लिख सकते हैं पांच की घात एक बटा तीन, जो यहाँ पर लिखा होता है वो घात में एक के नीचे चला जाता है। इस तरह से देखिए, इसको लिखेंगे एक बटा दो पांच की घात, और इसको लिखेंगे पांच की घात एक बटा तीन, ठीक है। और इस तरह से कोई संख्या अंदर भी घात हो तो ये हो जाएगा एक की घात m बटा n, यानी ये तो ऊपर रहेगा लेकिन ये हमेशा नीचे रहता है। चलिए इनको करके देखते हैं, रूट सात को क्या लिखेंगे, सात की घात एक बटा दो, घनमूल ग्यारह है ग्यारह की घात एक बटा तीन, इसे लेंगे पांच की घात, यहाँ पर कोई पावर नहीं थी, यहाँ तो तीन है तो यहाँ लिखेंगे तीन बटा दो, ये वर्गमूल है, ध्यान देना दो है, वर्गमूल है तो दो आएगा। तेरह की घात पांच बटा तीन, ये पांच बटा तीन। आइए एक ही संख्या चार की घात तीन बटा दो को दो विधियों से सरल करना सीखते हैं। देखिए चार की घात तीन बटा दो, उसको हम सरल कर सकते हैं, चार की घात एक बटा दो गुणा तीन। अब एक बटा दो क्या होता है, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा चार होता है दो की दो गुणा एक बटा दो, इसकी घात तीन, दो से दो कट गया, दो की तीन आया, दो की तीन आठ होता है, दो गुणा दो गुणा दो, ठीक है। ठीक वैसे तीन अंदर लेंगे फिर दो करेंगे, एक ही मतलब है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर आठ ही आना है। तो यहाँ पे नियमों का यूज करके सवाल किए गए हैं, चलिए हम प्रयास करते हैं इसको आप कीजिएगा। तीन की घात एक बटा तीन और दो बटा तीन, आप देखिए आधार सेम है, हम क्या लिखेंगे, तीन की घात एक बटा तीन जमा दो बटा तीन, गुणा का निशान है ना, तो आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है, ये हो जाएगा तीन की घात एलसीएम लीजिए तीन बटा तीन, तीन से तीन कट गया एक आ गया, तीन की घात एक बराबर तीन आंसर आएगा। ऐसे ही होगा पांच की घात तीन गुणा एक बटा पांच, घात पे घात है गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा पांच की घात तीन बटा पांच, विभाग में है सेम है आधार, तो पांच की घात दो बटा पांच माइनस एक बटा पांच, तो पांच की घात आ जाएगा दो माइनस एक बटा पांच, पांच की घात एक बटा पांच, ठीक है। यहां देखिए आधार अलग है लेकिन घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, छह की घात तीन दूनी छह हो जाएगा एक बटा नौ लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये कीजिएगा तीन की घात एक बटा तीन दो की घात एक बटा तीन, आंसर क्या आएगा कमेंट जरूर करना है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।